स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी कंटिन्यूइंग प्रीवियस टॉपिक। जो हम प्रीवियस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हम प्रोडक्शन के लिए 4 एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं। फर्स्ट वन मैन, सेकेंड वन मटेरियल, थर्ड वन मशीन, फोर्थ वन मनी। हमें 4 थिंग्स की रिक्वायरमेंट है, बट जो मैन है वो एक्टिव पर्सन है। मैन क्या है? लिविंग पर्सन, जो कोई एक्टिविटी को एक्चुअल में क्या है, जो मटेरियल है, मनी है और आपका मशीन है, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। अगर इनको हम वर्किंग में नहीं लेके आएंगे, ये एज इट इज रिमेन रहेंगी। अगर हमने कोई मशीनरी सेटअप करी है लेकिन उसको हम पर्सन के थ्रू यूज नहीं कर पा रहे हैं, या मटेरियल लेके आए हो उसका पर्सन यूज नहीं कर रहा है, तो वो एज इट इज रहेगा। वो जो भी मटेरियल है, मनी है या मशीनरी है, वो कम नहीं होंगे, वो एज इट इज सेम रिमेन रहेंगे। ओके, तो वो एक्चुअल में एक्टिविटी से किससे रिलेट होता है? वो पर्सन से रिलेट होता है। अगर एक्टिव के अंदर पैसिव एक्टिविटीज को मिला दिया जाए, उससे क्या सर्वाइव होता है? उससे हमारा प्रोडक्शन क्रिएट होता है। ओके, इसका मतलब यही है जो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट पढ़ा है, उसका फाइनल आउटपुट यही रिजल्ट निकलता है हमारा। जो मैन, मटेरियल, मशीन्स और मशीनरी, इनका इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज तभी हो सकता है जब इनका पर्सन्स के थ्रू यूज हो। अगर पर्सन्स के थ्रू इनका यूज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेंगे। इनकी कोई भी, जैसे लाइक क्या हो गया, जैसे मटेरियल हमारे पास 1000 यूनिट था रॉ मटेरियल, तो वो एज इट इज रहेगा सेम, उसका कोई भी यूज नहीं होगा। मशीनरी भी एज इट इज रहेगी, जब तक वो पर्सन के थ्रू यूज में नहीं आते उनका कोई भी यूज नहीं होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, पैसे में वो चीज कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, तो इस रीजन से तो वो तभी इफेक्टिवली वर्किंग होती है जब हम इन तीनों चीजों को किसके साथ रिलेट करते हैं? मैन के साथ रिलेट करते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा, वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कैसे इवोल्यूशन हुआ है, जन्म कैसे हुआ है? तो देखिए, पहले जो वर्किंग होती थी ना, वो किस वे से होती थी? जो हमारा स्टाफ था वो हमें कोऑपरेट करता था। वो किस तरह से कोऑपरेट करता था उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लाइक 3 टाइप्स की हमारी क्या थी एक्टिविटी थी, लेबर वेलफेयर स्टेज, 3 एक्टिविटी थी, लेबर वेलफेयर स्टेज, लेबर वेलफेयर स्टेज सेकेंडली क्या हुई? ये तो हुई आपकी लेबर वेलफेयर स्टेज। फर्स्ट वन लेबर वेलफेयर स्टेज क्या थी? पहले क्या होता था, जो बहुत एंशिएंट टाइमिंग में अगर हम पुराने जमाने की बात करें, तो पहले क्या होता था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो पर्सन को हम अपॉइंट करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते थे, वो किस तरह से मैनेज करते थे? एक यूनियन होती थी। किसकी यूनियन होती थी? एक हेड होता था, कोई भी एक पर्सन को हेड बना देते थे, उसको हम वर्किंग दे देते थे कि आपको क्या करना है, अपने लेबर को या एम्प्लॉयज़ को कलेक्ट करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको इस चीज़ के लिए क्या करना है, आप इस काम के लिए हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, अब आप इसके लिए अकाउंटेबल। तो एक ट्रेड यूनियन बनाते थे। तो लाइक क्या कर लिया, एक हमने ट्रेड यूनियन बना लिया। ट्रेड यूनियन में क्या होता था, इसके अंडर हम किसको अपॉइंट करते थे? लेबर को अपॉइंट करते थे। तो नेक्स्ट वन जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ वो क्या हुआ? पर्सनल स्टेज आ गई। पर्सनल स्टेज क्या थी हमारी? सेकेंड वन है पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। पर्सनल क्या होते हैं? पर्सनल के ही पर्सन होते हैं जिनको आप अपॉइंट करते हैं। पर्सनल क्या होते हैं? जो पर्सन होते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, इसके अंदर हमने क्या करा? पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज, हमने इसके अंदर एक मीडिएटर क्रिएट करा। तो लाइक क्या है, हमने एक मीडिएटर को जन्म दिया इसमें, कि एक मीडिएटर का काम होगा लेबर को या एम्प्लॉय को अपॉइंट करना। तो वो क्या काम करता था? एक मीडिएटर का ये काम था कि किसको मैनेज करना? पर्सनल को, किस किस पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसको मैनेज करना। तो आफ्टर दैट जो हमने स्टार्ट किया, तो ये इतने मेन नियम के बारे में हमने कोई कंसेप्ट भी क्लियर नहीं करना, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हमें जो मेन क्लियर करना है वो क्या है हमारा, फिर लास्ट में क्या इवोल्यूशन हुआ हमारा, हुआ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, उसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक पर्टिकुलर मेजर मैनेजर को अपॉइंट किया, जिसने किसके बारे में स्टडी की हुई थी? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोर्स के बारे में प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल स्टडी की हुई थी। उसको एक स्पेशल नॉलेज थी, एक एक्सपीरियंस पर्सन है। तो इस रीजन से वो किस चीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग एज द पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ, स्टाफिंग किसका पार्ट है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। स्टाफिंग किसकी होती है? स्टाफिंग करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको मैनेज करना। कितनी ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो रिक्रूटमेंट का काम होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो क्या काम करता है, वो फर्स्टली ये देखता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने, हाउ मच एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। फर्स्टली तो ये चेक करेगा कि कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट करने के बाद उसका काम क्या होगा, जो उसको जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका काम यही है, उसको एक्चुअल जैसे मैंने फाइनेंस स्टडी की तो मैं फाइनेंस के लिए बेस्ट हूँ, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो किसके लिए बेस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए। तो इस रीजन से वो अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ये चेक करेगा पहले कितनी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया हुआ है उसमें कितने डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग किस किस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो उसी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्या सर्च करेगा, रिसर्च करेगा एम्प्लॉयज की। लाइक क्या है, कोई परचेज डिपार्टमेंट है तो परचेज डिपार्टमेंट क्या जिसने कोर्स किया उस मैनेजर को अपॉइंट करेंगे हम। ओके, तो इस रीजन से परचेज मैनेजर का काम क्या होगा, परचेज से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी होगी उसके लिए जो उसको कन्वीनियंट लगता है कि हाँ ये एम्प्लॉय हमारे लिए इफेक्टिवली वर्क करेगा, तो वो उससे रिलेटेड जो वर्किंग से रिलेटेड होगा, जो राइट जॉब एट राइट प्लेस पर्सन को अपॉइंट करेगा। तो इस रीजन से हम कह सकते हैं इसका काम क्या होता है, रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करा उसने, तो अपॉइंट किस तरह से करेगा, फर्स्टली वो रिक्रूटमेंट करेगा, रिक्रूटमेंट करने के बाद वो क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, सिलेक्शन के बाद क्या करेगा, वो रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, डेवलपमेंट ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करेगा। ओके, क्या करेगा, ये हमें रिक्रूटमेंट करेगा और ये बहुत सारी एक्टिविटी करेगा, सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रमोशन, फिर इसका प्लेसमेंट करेगा, किस प्लेस पर इसको काम करना है, किस ब्रांच में इसने काम करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ओके, ट्रेनिंग के बाद उसका कंपनसेशन डिसाइड करेगा कितना उसे पे करना है हमें। तो ये सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करता है, ये हमारी प्रमोशन ट्रांसफर एक्सेट्रा ये सारा काम होता है रिक्रूटमेंट का। ओके, तो रिक्रूटमेंट के साथ ह्यूमन रिसोर्समेंट बहुत सारी प्रोसेस को फुलफिल करता है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्लेसमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद अगर उसका ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर, प्रमोशन करना है तो प्रमोशन। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, एक एक्सपर्ट पर्सन है, एक स्पेशल नॉलेज है उसके पास, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या अपनी एक्सपर्ट सर्विस, जो भी उसके पास एक क्या है, वो क्या रेंडर करता है हमें, अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कोई भी पर्सन होता है वो अपनी सर्विस देता है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किसको सर्विस दे रहा है, पर्सन को, एम्प्लॉय को, लेबर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जो भी हमें प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन कौन निकालेगा, हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट निकालेगा। ओके, तो इस रीजन से प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस, हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक क्या हो सकती है आपकी सर्विस, उसके बारे में हम बात करेंगे। जॉब इवेल्यूशन परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसके बारे में बात करेंगे हम। एक्सपर्ट क्या बताता है, जॉब को इवेल्यूएट करता है। ओके, ये अपनी स्पेशल नॉलेज के अकॉर्डिंग ये एनालाइज करता है कि जॉब इवेल्यूएशन किस किस जॉब की रिक्वायरमेंट है पर्सन को, मतलब कितने कैपेबल पर्सन है, किस किस को जॉब की रिक्वायरमेंट है, पहले रिक्रूटमेंट करी फिर उसके अकॉर्डिंग कितने कैपेबल है ऑर्गेनाइजेशंस में आने के लिए, तो उसने जॉब को इवेल्यूएट किया। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उसके बाद उन्होंने प्लेसमेंट किया, किस प्लेस पर ये कन्वीनियंट सेट हो जाएंगे। ओके, प्लेसमेंट के बाद उनको काम से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करी गई, ये सब किसका काम होता है, जॉब एनालाइज किया उसने, फिर इसके इसके बारे में बात की, प्रमोशन उसका वो किया, अप्रेजल किया। तो लाइक क्या होता है, ये सारी वर्किंग किसकी होती है, ये सारी वर्किंग आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की होती है। तो उसके हमने क्या करी, जो भी हम वर्किंग करा जो इवेल्यूएशन कर रहे हैं उसको हमने काम किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, फिर हमने चेक किया कि उसकी काम को लेके परफॉर्मेंस क्या है। ओके, उसका हमने क्या चेक किया, परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक किया। नेक्स्ट वर्किंग क्या होती है, डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, क्योंकि पर्सन को अपॉइंट किसने करा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो एम्प्लॉय है या लेबर है उसको अपॉइंट किसने करा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने, ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजर ने, ठीक है, एचआरएम के मैनेजर ने। तो मैनेजर का काम क्या होता है, हमें पता होता है जब हमने ही क्या करा है, रिक्रूट करा है, हमने ही सिलेक्शन करा है, हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, उसको प्लेसमेंट करा है, सब कुछ हमने करा है,
तो इस रीजन से हमें ये भी पता होगा कौन सा पर्सन कितना कैपेबल है, उसका कितना कंपनसेशन होना चाहिए और उसके क्या इंसेंटिव्स होना चाहिए, उनको भी हमें डिस्क्लोज करना है। ये भी काम किसका होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। क्योंकि एक्चुअली में जब भी एक पर्सन काम करता है तो वो उसके एक्सपेक्ट में क्या चाहता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको उसके बदले में कुछ मिले। तो क्या मिलेगा उसको? कंपनसेशन, सैलरी मिलेगी, अगर एम्प्लॉय तो सैलरी मिलेगी, और अगर लेबर है तो उसको वेजेस प्रोवाइड होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा पॉइंट आता है वो क्या है? हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट्स। हैंडलिंग ग्रीवियंस एंड कंप्लेंट क्या है? जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एम्प्लॉय के लिए, लेबर के लिए वर्क कर रही है, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी सुधार है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो किसको बताएगा? जैसे क्या होता है, हमारा एक कोऑर्डिनल रिलेशंस होता है। कैसा रिलेशंस होता है? किसके बीच में? कोऑर्डिनल रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन होता है? जो हमें जॉब प्रोवाइड करता है। जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो गया, वो हमें जॉब प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉय जो पर्सन उसके अंडर काम कर रहे हैं, तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम है प्रोडक्शन से रिलेटेड, किसी वर्किंग से रिलेटेड, तो वो सब किसको इन्फॉर्म करेंगे? वो अपने मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेंगे। उनके लिए मैनेजमेंट का मैनेजर है, तो उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन, उनकी कोई सजेशंस है, तो उससे रिलेटेड कौन प्रॉब्लम को सोल्व करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। उसके साथ साथ क्या करना होता है? हमें क्या प्रोवाइड करनी है? सोशल सिक्योरिटी। जहाँ पर वो पर्सन काम कर रहा है तो क्या होना चाहिए? जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, तो वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो भी हमारी वर्किंग से रिलेटेड, लाइक गर्मी है तो एसी की फैसिलिटी होनी चाहिए, या गर्मी है तो कूलर की फैसिलिटी होनी चाहिए, जो भी उनके लिए मतलब कन्वीनियंट होती हैं चीज़ें, जो उनके लिए नेसेसिटी होती है, उन सबकी रिक्वायरमेंट। सोशल सिक्योरिटी लाइक क्या हो गया? सोशल सिक्योरिटी क्या हो गया? जब अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है तो लाइक क्या होता है? अगर कोई पर्सन वहाँ पे क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, तो क्या हो गया? एक लेबर का हैंड मशीन में आ गया, तो उस रीजन से उसका लॉस क्या हुआ? काम के पीछे उसका क्या हो गया? हैंड का लॉस हो गया। तो अब उसकी फैमिली क्या उस पर डिपेंड है, क्योंकि जो वो अर्निंग लेके आते थे उसी के बिहाव पर उनका घर चलता था। तो क्या होता है, हमें अगर ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए क्या करना होता है? एक एक्ट बने होते हैं ह्यूमन, जैसे हम कह सकते हैं वर्कमैन कंपनसेशन, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये किस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन सब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो क्या करना होगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है कि वो वर्कर्स को कंपनसेट करें, जो भी उनका लॉस हुआ है उनका रिकवर करें। लाइक क्या होता है? इंश्योरेंस, आपने देखा होगा हमेशा कंपनी क्या करती है? उनका इंश्योरेंस करती है। अगर काम करते करते उनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई तो उस चीज के लिए उनको क्या मिलनी चाहिए? कंपनी के थ्रू से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो सोशल सिक्योरिटी होगी, और किसके लिए काम करना? वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज। हम क्या करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन स्टेप होता है, वो वर्किंग तो करा रहे पर्सन से, लेकिन वो उनके वेलफेयर से रिलेटेड वर्किंग करें। उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके बेनिफिट के बारे में सोचना। नेक्स्ट में जो पॉइंट आता है, डिफेंडिंग द कंपनी इन लो सूट्स। ठीक है, तो क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक काम ये भी होता है कि वो अवेयर कराएं अपनी लेबर को या एम्प्लॉय को कि उनके लिए कौन कौन से एक्ट्स बनाए गए हैं। लाइक जैसे क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गया हमारा, कि अगर वर्कर्स कोई मिस हैपनिंग हो गई फ्यूचर में तो कंपनी उनको क्या करेगी? कंपनसेट करेगी। और कोई इंश्योरेंस, जैसे लाइक क्या होता है, आप कभी भी देखते हो उनका क्या होता है, उनकी फैमिली का उनके साथ कंबाइन एक इंश्योरेंस होता है। अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई, कुछ भी हो गया उनके साथ, बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, तो किस में हेल्प मिलेगी उनको? एक इंश्योरेंस में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट वन, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड। जो ह्यूमन को मैनेज कर रहा है, वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेज कर रहा है, तो इससे रिलेटेड जो भी हमारी पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं सारे कौन मेंटेन करेगा? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेंटेन करेगी। लाइक किस तरह का रिकॉर्ड होता है? कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड्स, लाइक जैसे रिक्रूटमेंट करे, कितने पर्सन्स ने अप्लाई किया, कितने रिज्यूम सबमिट हुए आपके पास, उसके बाद आपने कितने इंटरव्यूज के लिए फाइनल किए, सिलेक्शन आपने क्या प्रोसीजर में लेके आए, इंटरव्यूज कंडक्ट कराए, फिर उसके बाद आपने कितने जॉब की आपको रिक्वायरमेंट थी, आपने कितने पर्सन को फाइनल किया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद प्लेसमेंट, किस प्लेस पर आप उसको जॉब दे रहे हो, ट्रेनिंग उसको किस लेवल की दे रहे हो,
इन सबका रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए और वो किसके पास सबमिट होगा, वो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन के पास सबमिट होना चाहिए। तो ये सारा काम किसका होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। लास्ट वन पॉइंट क्या है, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या करना होता है हमें, डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या एक्टिविटी करनी होती है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, वो तो एक डिपार्टमेंट हो गया ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन से रिलेटेड जो एक्टिविटी करेगा वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो गया। लेकिन इसका मेन एम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करना, किसके थ्रू, पर्सन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये वर्किंग किसके लिए करते हैं, जो हमारा डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनका मेन मोटिव क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, टाइम टू टाइम क्या करना, डे टू डे रिसर्च करना, किससे रिलेटेड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम से रिलेटेड, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की किस वे से पॉलिसीज को बनाना है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। लेकिन जैसे लाइक क्या है, रिक्रूटमेंट की पॉलिसी हो गई, सिलेक्शन की पॉलिसी हो गई, ट्रेनिंग की पॉलिसी हो गई, इस रीज़न से हमें क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम पॉलिसीज बनाते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं, उन सब से क्या होगा, हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो जो इस टॉपिक में हमने कवर किया, कौन सा कवर किया है, इवोल्यूशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, किस तरह से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। पहले लोग ऐसे ही करते थे, एक ग्रुप बना लेते थे, उसमें से एक हेड बना देते थे और उसको क्या करते थे, ह्यूमन रिसोर्स की एक्टिविटी एक, अब जो तो आज के दिनों में क्या होने लग गया है, नाउ डेज एक पर्टिकुलर क्या बनाते हैं हम, डिपार्टमेंट बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसको कौन सॉल्व करेगा, उसको एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही सॉल्व करेगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक यही था, आपका होमवर्क क्या है वो नोट डाउन कर लीजिए। लर्न क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू दिस कंसर्न, किससे रिलेटेड, फर्स्टली तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग क्लियर होना चाहिए, टीचर्स इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ एचआरएम, जो आगे हमने टॉपिक क्लियर करा है उससे रिलेटेड आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने हैं। लर्न क्वेश्चन रिलेटेड टू मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड कंसेप्ट ऑफ एचआरएम। थैंक यू सो मच।